अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। उत्तराखंड में 20 जून से चलेंगी सिटी बसें। राज्य सरकार ने दोगुने किराए को दी मंजूरी। बस ऑपरेटर्स ने जताया आभार। उत्तराखंड में लॉकडाउन के कारण ठप हुए सिटी बस कल यानी 20 जून से सड़कों पर फिर दौड़ने लगेगी। राज्य सरकार ने सिटी बस यूनियन की मांग पर बस किराया दोगुना करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद बस ऑपरेटर शनिवार से बसों का परिचालन शुरू करने को तैयार हो गए हैं। वैसे बता दें कि लॉकडाउन 4 की शुरुआत पर ही इन बसों को 50% पैसेंजर के साथ चलाने की परमिशन दे दी गई थी, लेकिन यूनियन पुराने किराए पर नुकसान का हवाला देकर बस चलाने को तैयार नहीं था। सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजय वर्धन डांडियाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंश्योरेंस और टैक्स अदायगी में छूट जैसी हमारी दूसरी मांगों पर भी सरकार विचार करेगी। सरकार द्वारा जो आज कैबिनेट में फैसला लिया गया है, उस पर जो हमारा स्टेट कैरिंग बसों में जो सिटी बसों का किराया था उसकी सरकार द्वारा जो दुगना किराया कर दिया गया है, तो हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं और सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उसके साथ साथ सरकार से हमारा एक आग्रह और है कि जिस तरीके से सरकार ने हमारी मांगों पर जो है विचार किया है और हमारी मांग को ये पूरा किया गया है, उसी तरीके से हमारी जो थोड़ी बहुत अन्य मांगे हैं जैसे इंश्योरेंस है या टैक्सेस टैक्स वगैरह में जो छूट की प्रावधान जो हमने मांगा गया है, सरकार इस पे विचार करे जिससे कि हम जो है निर्बाध होकर सिटी बसें चला सके। लेकिन हमारा जो सरकार से कहना है कि हम कल से अपनी सिटी बसों का संचालन कर रहे हैं। जाहिर है उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से जहां बस ऑपरेटर्स खुश हैं, वहीं नागरिक इसे नया बोझ मान रहे हैं। सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर लॉकडाउन में जब चारों ओर कामकाज बंद होने से आर्थिक तंगी है, तब नागरिकों पर दोगुने किराए का बोझ लादना कितना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।